सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। यो मणिमंजरी राय मामले में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एसपी बलिया को सौंपा पत्रक। एसपी को पत्रक सौंपा कर व्यापार मंडल के लोगों ने यो मणिमंजरी राय मामले निष्पक्ष जांच की मांग की है। आगे कहा कि यो मणिमंजरी राय मामले निर्दोष व्यक्ति ना फंसे इसका भी ख्याल रखे पुलिस। यही नहीं, व्यापार मंडल के लोगों ने कहा पुलिस की यो मणिमंजरी राय के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सामने लाना चाहिए। वही व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने और क्या बताया, आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी। आज हम लोग एसपी साहब से मिले हैं मणिमंजरी राय के इंसाफ के लिए, और हम लोग चाहते हैं कि सही दोषी पकड़ा जाए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। हम लोग मांग किए हैं कि मणिमंजरी राय का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी सार्वजनिक रूप से जो है ब्रीफिंग हो जाए जनता के बीच में, और उनके पिताजी शुरू में एक बाइट दिए थे और आवाज़ उठाए थे कि हमारी बेटी बहादुर है, वो आत्महत्या नहीं कर सकती है, उसको जो है मार के जो है लटकाया गया है। तो उसके बाद कोई स्पष्ट जो है आया नहीं कि हत्या है कि आत्महत्या है, अपने मन से लोग आत्महत्या लिख रहे हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर क्लियर हो जाता है तो यह भी साफ हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि बैरिया के नायब तहसीलदार रजत सिंह जी शुरू से ही संदिग्ध हैं इस मामले में, क्योंकि जब उनकी लाश थी मणिमंजरी राय के, तो उसके सामने जो है ये खूब फूट फूट कर रोए थे और उन्होंने बार बार चेहरा दिखाने की बात कही। उसके बाद मृत्यु के पहले उनसे लंबी वार्ता भी भई। साथ ही साथ चंदन वर्मा नायब तहसीलदार रजत सिंह और ये जो मणिमंजरी राय है इनके मोबाइल को जो है ट्रेस कर लिया जाए, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वार्ता हुई, क्या कारण था कि उन्होंने जो है आत्महत्या किया। बाकी जो अन्य मामले हैं प्रशासन को हर तरफ निगाह रखना चाहिए, हर एंगल से जांच करना चाहिए, और उसके लिए जो वास्तव में जो उनकी मृत्यु का जो है दोषी है उसको जो है सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। इसीलिए हम लोग कुछ मांग पत्र दिए हैं, यही आज हम लोग की उपस्थिति का कारण। और उन्होंने कहा भी है कि हम आप लोगों के जो ज्ञापन है उस पर हम विचार करेंगे, और प्रशासन सभी एंगल से जांच कर रही है।